नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों आज हम आए थे एलिस ब्रिज और यहाँ पर हमने सारी चीजें एक्सप्लोर की। अभी दोस्तों हम यहाँ पर हैं संन्यास आश्रम जो कि अहमदाबाद में अवेलेबल है। आप दोस्तों देख सकते हैं यह संन्यास आश्रम और यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं और यहाँ से हम जाने वाले हैं सरखेज। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारा होटल बुक करेंगे और आपको सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे और वन बाय वन सारी चीज दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले तो मैं अपना होटल बुक करता हूँ और आपको रूम वगैरह दिखाऊंगा एंड फिर हम लोग चलेंगे सरखेज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो दोस्तों अभी हम होटल मैपल आ चुके हैं और दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमारा रूम बुक करेंगे और रूम बुक करने के बाद पूरा रूम जो है उसको टूर करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा ग्रीनरी वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं। और साथ ही साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कोविड चल रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र के लिए यहाँ पर ये चीज़ें लगाई हुई है। आपको सिंपली इसे प्रेस करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से हैंड सैनिटाइज़र आ जाएगा। आपको सिंपली आपके हाथों पे जिस प्रकार से आप अच्छी तरह से कर सकते हैं आपके हाथ को सेफली आपको उसको लगा लेना है। और दोस्तों यहाँ पर अभी हम हमारे इस होटल में आ चुके हैं और दोस्तों यहाँ पर हम करने वाले हैं बुक हमारा रूम, राइट। तो सर जी अभी अभी हमारे रूम बुक करना है तो किस प्रकार से रहता है आपका SOP? ओके, बहुत बढ़िया। नाउ वी आर सेफ। स्टैंडर्ड और प्रीमियम, सबसे पहले आपको दो रूम दिखा देंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो हम रूम देख लेते हैं और रूम के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कौन सा रूम हमें लेना है। तो चलिए दोस्तों आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये डिजिटल लॉक है, आपको जस्ट ये कार्ड लगाना है और ऑटोमेटिकली आपका रूम ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप एंट्री करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। पहला चीज़ तो आपको डिजिटल लॉक मिल गया, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्ड है, इस कार्ड को आप जब निकालते हैं तो लाइट बंद हो जाती है और इस कार्ड को अगर आप लगा देते हैं तो करंट चालू यानी कि लाइट चालू हो जाती है, राइट। इसके बाद दोस्तों जैसे आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको पैर साफ़ करने के लिए यहाँ पर आपको ये पगदान मिल जाता है और साथ साथ में आपको यहाँ पर चप्पल मिल जाती है और इसे बोलते हैं फुटलाइट। अगर जैसे रात को अगर आप उठ रहे हैं तो ये लाइट चालू रहती है तो आपको वगैरह सारी चीज़ें दिखती हैं। अभी दोस्तों हम रूम में आ चुके हैं, ओके। अभी रूम में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर बेड वगैरह दिया हुआ है। अगर आपके हस्बैंड वाइफ आते हैं तो दो लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं और साथ ही साथ में आप देखेंगे तो आपको दो सोफ़ा वगैरह मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर दो लोग आराम से बैठ के अपने दिल की बातें रख सकते हैं वगैरह आप कर सकते हैं, ओके। और दोस्तों सबसे बेस्ट पार्ट में अगर बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर ये कर्टन दिया हुआ है, इसे आप यहां पर एक अच्छा सा व्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यहां से अच्छा व्यू भी मिल जाता है, राइट। तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और अभी हम आगे थोड़ा सा और भी देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों यहाँ पर आपको एक LED मिल जाता है, अगर आप फैमिली के साथ आए हो, एन्जॉय कर रहे हो और आप चाहते हो कि भाई अच्छी तरह से फैमिली के साथ बैठ के कोई धारावार या कोई मूवी वगैरह देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको ये मिरर मिलता है जो कि फुल मिरर है। अगर आप तैयार हो रहे हैं, टाई पहन रहे हैं तो सारी चीज़ें आप अपने आप को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मिरर मुझे लगा पर्सनली, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आए हुए हैं अहमदाबाद में किसी बिजनेस करने के लिए तो ये जगह आपके लिए इसलिए बेस्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप इजीली आपका काम भी कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह रख के आपका काम कर सकते हैं और इजीली अपना काम यहाँ से निपटाकर वर्कआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपको एक अच्छा सा चेयर यहाँ पर मिल जाता है बैठने के लिए जो कम्फर्ट के साथ में है। और दूसरा यहाँ पर आपको डस्टबिन भी दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको डस्टबिन मिल जाता है, राइट। तो जैसे आप अगर पानी वगैरह पी रहे हैं बोतल वगैरह रखने के लिए हो जाता है या अगर आप कोई नाश्ता वगैरह कर रहे हैं तो रैपर वगैरह रखने के लिए हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बोर्ड मिल जाता है जहाँ पर आप इजीली आपका जो कपड़ा वगैरह रखना है वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ बात करें तो इसका जो स्पेस आप देखेंगे बहुत ही लार्ज स्पेस है। अगर आप कहीं सूट वगैरह लेकर आए हुए हैं तो आप इजीली यहाँ पर रख सकते हैं और उसे यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, आपके लगेज में आपका सूटकेस वगैरह आप रख सकते हैं और सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं एक ही जगह पर, तो बहुत ही बढ़िया है ये। अभी दोस्तों थोड़ा सा आगे की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक जगह दिया हुआ है, आप इजीली यहाँ पर आपका मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, वॉलेट वगैरह रखना है तो आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको रिसेप्शन पर बात करना है
तो दोस्तों आप वहाँ पर कॉर्नर पर देख पाएंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक टेलीफोन दे दिया जाता है, आप रिसेप्शन पे बात कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का ऑर्डर वगैरह करना है यू कैन डू दैट। और दोस्तों अगर हम इस रूम की बात करें, यहाँ से एक रूम का मैं आपको लुक दिखाना चाहूँगा, जैसे जिस एंगल से मैं खड़ा हूँ यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे जो लुक आता है रूम का, बहुत ही प्रीमियम क्लास का लुक आता है। आप देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन सोफ़ा और जिस तरीके से इस रूम को सजाया हुआ है बहुत ही प्रीमियम लुक देता है दोस्तों। यहाँ का है तो एसी वगैरह भी आपको मिल जाता है, तो दोस्तों अगर आप गर्मी में आए हुए हैं तो आपको एसी वगैरह मिल जाएगा, एलईडी वगैरह मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल जाती है। अभी दोस्तों हम थोड़ा सा देखेंगे बाथरूम में हमें क्या क्या मिल रहा है, राइट। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आते हैं कहीं पर घूमने, आप अगर अहमदाबाद घूमने आए हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार गर्म पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें हमारी क्वेरी होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बाथरूम है, इधर भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं गीज़र अवेलेबल है, गर्म ठंडा पानी आपको यहाँ मिल जाएगा। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर आपको किट मिल जाता है, ये किट में आप देखेंगे यहाँ पर ये सोप है, सोप भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि एक आइडिया आए आपको। तो दोस्तों यहाँ पर ये सोप मिल जाता है, अगर आप चाहें तो मुंह वगैरह हाथ वगैरह धो सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर डेंटल किट आपको मिल जाती है मैपल की तरफ से, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्लास आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा एक और भी चीज़ अंदर अवेलेबल है, यहाँ पर आपको टूथपेस्ट वगैरह भी मिल जाता है, आप इजीली आपके दांत को साफ़ कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको आपका बाल वगैरह बनाना है तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, मॉर्निंग में नहाने के बाद आप इजीली आपके बाल वगैरह बना सकते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर एक दूसरा है शैम्पू है, अगर आप चाहें तो आपके बाल वगैरह अगर आपको धोना है तो इस शैम्पू के थ्रू धो सकते हैं। और नहाने के लिए आपको यहाँ पर जो बॉडी वॉश बोलते हैं, ये शावर करने के लिए आपको जेल वगैरह मिल जाता है, आप इजीली कर सकते हैं। और नहाने के बाद मॉइस्चराइज करना है आपकी बॉडी को तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों बात करें यहाँ की फैसिलिटी, तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, आप जब नहा कर निकलते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इस रूम को मैं क्यों बेस्ट मान रहा हूँ, मेरी तरफ से एक रिव्यू देना चाहूँगा। सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले तो नहाने के बाद रेडी होते हैं, रेडी होते हैं तो हमें अच्छा सा मिरर मिल जा रहा है, यहाँ पर हमारा सामान रखने के लिए जगह मिल जा रही है, अगर जैसे वाईफाई हुई है या फैमिली के साथ आप आए हुए हैं तो बच्चों के लिए सारी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एंटरटेन करने के लिए भी आपको LED वगैरह मिल जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट अगर हम बात करें यहाँ का, तो दोस्तों यहाँ बैठने के बाद जो आराम फील आता है वो यहाँ पर आता है, राइट। तो दोस्तों रूम बहुत बढ़िया है, चलो इसका हम रेट जानेंगे क्या है और उसके बाद इसे फाइनल करेंगे। तो सर जी अगर मैं जानना चाहूँ तो ये रूम को क्या बोलते हैं और क्या इसका रेट? ये रूम सर प्रीमियम रूम है, okay। और ये रूम का रेट है 1800 प्लस GST। 1800 प्लस GST यानी कि दोस्तों ये रूम अगर मैं लेता हूँ तो ये 1800 प्लस GST में मुझे मिलेगा और ये रूम का मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब थोड़ी सी और भी फैमिली अगर आती है तो क्या रहता है सर? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और मेरी वाइफ है और दो बच्चे हैं, राइट, तो वो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो अगर मुझे अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैट चाहिए या एक्स्ट्रा तकिया चाहिए तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं? वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, एक्स्ट्रा मैट्रेस मिल जाएगा, अगर 12 ईयर के अंदर है चाइल्ड तो कोई चार्ज नहीं लेगा, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात, अगर आपका बच्चा अगर 12 साल से नीचे है, ठीक है, तो उसका कोई भी चार्ज नहीं है, आपको मैट वगैरह मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको तकिया वगैरह फ्री में मिलेगा। और अगर चलिए अगर 3 लोग और भी आते हैं तो सर उनका किस तरीके से चार्ज? एक्स्ट्रा अगर एडल्ट है तो प्रीमियम रूम मिलेगा 400 रहेगा एक्स्ट्रा मैट्रेस का। तो दोस्तों अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 3-4 दोस्त हैं तो उनके लिए जो मैट का अलग रहेगा वो थोड़ा चार्ज रहेगा, दैट विल बी 400 रुपीज़ ओनली। तो दोस्तों बहुत ही किफ़ायती रेट में बहुत ही अच्छा रूम मिल जाता है प्रीमियम क्लास का, आपने देखा सोफ़ा वगैरह मिल रहा है, अच्छा बेड मिल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा सर इस रेट के साथ में और क्या क्या चीज़ें मिलती है यूज़र को? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, मिनरल वाटर फ्री देते हैं चेक इन टाइम, वन टाइम मिनरल वाटर रहता है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, बाकी जो अदर से कोई है चीज़ें कोई बाहर से कोई गया तो उसका कोई चार्ज नहीं लेते।
यहाँ से कोई भी बंदा कोई चीज लेने जाता है उसको कोई चार्ज नहीं लगता। कोई लेने जाता, कोई मंगावे, कोई बंदे को अपने स्टाफ को कोई बोल के कुछ चीज़ मंगाना चाहता है बाहर से, तो ला के प्रोवाइड कर देते, कोई चार्ज नहीं लेते उससे एक्स्ट्रा, कोई चार्ज नहीं लेते। ब्रेकफास्ट में सर ऐसे नॉर्मली क्या क्या रहता है? जैसे अगर नॉर्मली रहता है पोहा है, पराठा है, टोस्ट बटर, ब्रेड बटर, सैंडविच, कभी होता है पराठे हैं, मेथी के पराठे, थेपले हैं, अलग अलग रहता है, कोई चीज़ नॉर्मल चीज़ रहती है। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट डे वाइज के हिसाब से अलग अलग रहता है, हाँ जी। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से सर ने हमें बताया, तो या तो भूख लग गई है ब्रेकफास्ट सुनते ही, राइट। तो अभी हम चलो दूसरा रूम भी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं बाहर, तो थोड़ा सा मैं लुक एंड फील आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा लुक दिया हुआ है, हर एक चीज़ का बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ से डेकोरेट की हुई है चीज़ें। और दोस्तों यहाँ पर ये रिसेप्शन है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल थोड़े कंटाल रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर चीज़ें बैठ सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक एंड फील। और बहुत ही अच्छी बात करें तो यहाँ पर शांति मिलती है बैठने के बाद, जो आनंद आता है बहुत ही बढ़िया आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा रिसेप्शन वाला पार्ट, जहाँ पर हम इजीली आके यहाँ पर बैठ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप यहाँ पर रिसेप्शन पे आके आपकी क्वेरी वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं हमारा डिलक्स, जो हमने हमारा प्रीमियम रूम देखा, अब हम स्टैंडर्ड रूम देखने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये चीज़ें रखी हुई हैं, जो बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। तो दोस्तों आपको भी आई होप ये सारी चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों अभी फॉर एग्जांपल ये है हमारा स्टैंडर्ड रूम। और दोस्तों यहाँ पर अगेन अगर आप बिजनेसमैन हैं और किसी काम वगैरह भी आप नाइट में करते हैं, तो आपको यहाँ टेबल वगैरह मिल जाता है, आप यहाँ पर अपना लैपटॉप रख के ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लैपटॉप से याद आया कि सर यहाँ पर वाईफाई वगैरह अवेलेबल रहता है? हाँ जी सर, वाईफाई है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप लैपटॉप वगैरह पे काम करते हैं आपको फ्री वाईफाई भी यहाँ पर मिल जाता है, आप इजीली सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे सर ने बताया था कि आपको दो बोतल मिल जाता है पानी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बोतल यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ में दोस्तों वही आपको टेबल मिल जाता है और यहाँ पर डस्टबिन भी आपको मिल जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं डस्टबिन भी अवेलेबल है। और यहाँ पर मुझे चेयर मिल जा रहा है और साथ ही साथ में अगेन वही कपबोर्ड आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों बात करें अगेन यहाँ का जो बेड है, बेड बहुत बढ़िया है, आप अगर जंपिंग करोगे, फैमिली के साथ आओगे, बच्चे वगैरह जंपिंग करेंगे, उन्हें मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये एक जगह बहुत अच्छी लगी। और दोस्तों अगर हम बात करें अहमदाबाद की सबसे फेमस ये प्लेस है जहाँ आश्रम रोड कहा जाता है इसे, थोड़ा सा यहाँ का लुक भी देखते हैं ताकि आपको परफेक्ट आइडिया आए। तो दोस्तों ये रहा आश्रम रोड का लुक, आप देख सकते हैं, और सामने ही आपको आश्रम संन्यास आश्रम मिल जाता है जो कि इसी नाम से फेमस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये लुक मिल जाता है स्टैंडर्ड रूम में, बहुत ही अच्छी जगह है ये। और अगर आप अहमदाबाद आते हैं घूमने तो पर्सनली कहूँगा आप आश्रम रोड ज़रूर आइएगा, आपको यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलेंगी। अगेन आपको यहाँ पर लैंप वगैरह मिल जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनाई हुई है और यहाँ पर लगाई हुई है। आप यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत ही शांति मिलने वाली है, सबसे बेस्ट बात ये है, शांति मिलने वाली है। और दूसरी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे LED वगैरह यहाँ पर भी अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ की स्टैंडर्ड रूम भी नॉन AC नहीं है, ये AC वाला रूम है, राइट। तो यहाँ पर आपको AC वगैरह भी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे लुक एंड फील बहुत अच्छा है, सिंगल पर्सन डबल पर्सन के लिए भी अच्छा है, आप उनके साथ में यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था थी। और यहाँ पर आपको अगेन आपको यहाँ पर टेलीफोन मिल जाता है, आप रिसेप्शन वगैरह में कॉल करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, आपको जर्नली सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। चलिए दोस्तों अब इसका रेट जानेंगे, इसका रेट क्या है, आफ्टर दैट वी विल डिसाइड कि हमें कौन सा रूम लेना है। ये स्टैंडर्ड रूम है, इसका रेट रहेगा 1500 प्लस GST रहेगा। जी सर, यानी कि दोस्तों अगर ये रूम अगर मुझे बुक करना है तो 1500 प्लस GST में होगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि 300 ज़्यादा देने के बाद एक अच्छा सा रूम मिल रहा है, तो ये रूम भी बहुत अच्छा है, बट मैं बुक करूँगा 1800 प्लस GST वाला। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको कौन सा रूम अच्छा लगा और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कौन सा रूम बुक करेंगे, राइट। और दोस्तों अब आपके लिए थोड़ा सा बात हो जाए, अगर सर हमारे व्यूवर्स हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो यहाँ अहमदाबाद विजिट करते हैं मैपल में, तो उनको हमारी तरफ से कोई डिस्काउंट मिलेगा? उनको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% जी सर।
दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, यानी वो 10% मुझे भी मिलेगा और आप भी आएंगे तो आपको भी वो 10% मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आइए, हमारे चैनल का नाम लीजिए, आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और सारी फैसिलिटीज़ आपको यूज़ करने को मिलेंगी। अच्छा सर, चेकआउट का क्या रूल होता है यहाँ पर? मॉर्निंग 11 बजे का होता है। किसी गेस्ट को अगर कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, 1 आवर्स कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं, यानी 12 बजे तक लास्ट कर सकते हैं चेकआउट। रिक्वेस्ट करें तो 1 आवर्स देते हैं, 1 आवर्स। तो दोस्तों अगर जो मैं अभी तक फील कर पा रहा हूँ, प्रोफेशनलिज्म तो है ही, बट सबसे बेस्ट पार्ट आपको पर्सनल भी है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ काम हो गया या 1 घंटा आप आगे पीछे भी हो गए तो भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि अगर छोटे बच्चे हैं और अगर आपको जगह के अंदर एक्स्ट्रा मैट्रेस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। बहुत ही अच्छी बात है मेपल की, कि जो कि अपने लोगों को इस तरीके से हेल्प करते हैं। और अगर आप अहमदाबाद घूमने आए हैं तो पर्सनली रिकमेंडेशन रहेगा कि आप मेपल ज़रूर विजिट करिए और आप भी देखिए कि यहाँ का लुक एंड फील कैसा है। तो दोस्तों चलिए अब लुक एंड फील देखते हैं पूरे इस होटल का और आपको दिखाते हैं किस तरीके का। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ आप देख सकें। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।